आम टीवी ओडिशा रे मु आपन स्वागत करुछि। आजिरो एक्सपोर्ट वीडियो रे मु आपन को एक्सपोर्ट रिलेटेड डिटेल्स रे कहिबी आपन केमिति ओडिशा रु मुड़ी एक्सपोर्ट करिवे, वर्ल्ड वाइड मुड़ी एक्सपोर्ट करिवे। तो आमे ओडिया रे कहू मुड़ी, आउ को डिस्ट्रिक्ट रे आमे को भुजा, आउ इंग्लिश रे आको कहा जाए पफ्ड राइस, हिंदी रे कहा जाए मुरमुरा। ठीक अच्छे, मुरमुरा या पफ्ड राइस या मुड़ी, आपण केमिति मुड़ी ओडिशा रु सोर्स करके ओडिशा रे आको मैन्युफैक्चरिंग करके वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करिवे, तापर डिटेल्स रे कहिबी आपण केमिति मुड़ी एक्सपोर्ट करिवे, हाउ टू एक्सपोर्ट मुरमुरा और हाउ टू एक्सपोर्ट पफ्ड राइस टू द ग्लोबल मार्केट। तो इंडिया वर्ल्ड रो टॉप कंट्री अच्छी, वर्ल्ड रे तीनटा कंट्री अच्छा जे मैंने कि एक्सपोर्ट करती मुड़ी। तो इंडिया अच्छी द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मुड़ी इन द वर्ल्ड। इंडिया नंबर वन, सेकेंड रे अच्छी बांग्लादेश, थर्ड रे अच्छी साउथ कोरिया। तो अप्रोक्सीमेटली इंडिया पर ईयर प्रति वर्ष 10,950 शिपमेंट करे, 10,950 शिपमेंट करे इंडिया ग्लोबली। तो सेकेंड रे अच्छी बांग्लादेश, बांग्लादेश अप्रोक्सीमेटली 4,500 शिपमेंट करे और साउथ कोरिया अप्रोक्सीमेटली 216 शिपमेंट करे पर ईयर एक्सपोर्ट करे। तो इंडिया रे फिलहाल 850 के अबव मुड़ी एक्सपोर्टर्स अच्छा और ग्लोबली 1400-1500 इम्पोर्टर्स अच्छा जे को मुड़ी इम्पोर्ट कर। तो मुड़ी को आप प्रोसेस करके अलग अलग वैरायटीज रे प्रोसेस करके आप एक्सपोर्ट करें, आइदर प्लेन मुड़ी को एक्सपोर्ट करें कि भेल मुड़ी, भेल मुड़ी भेल कहा जाए जेटा आपणकर मुंबई में कहा जाए भेल मुड़ी, भेलपुरी। तो भेल पाई या भेल मुड़ी पाई भेल पुरी पाई भी ग्लोबली यूज करा जाए मुड़ी को, से आपण को मुड़ी को आप अलग अलग वैरायटीज रे प्रोसेस करके पैकिंग करके आप एक्सपोर्ट करें। तो मुड़ी को आप आईदार जदि प्लेन मुड़ी, क्लीन मुड़ी, प्लेन मुड़ी को आप पैकिंग करके 5 किलो 10 किलो 20 किलो बड़ बड़ जरी पैकेट रे पैकिंग करके एक्सपोर्ट करें। डिपेंड करे आपणकर बायर केमी आप दरकार पड़ो, जब बायर निजे पैकिंग करके लेबलिंग करके बिक्रा चाहूँगी सी आपको कह 10 किलो 20 किलो बड़ बड़ जरी पैकेट रे पैकिंग करके प्लेन मुड़ी पठातु, सी आपको कह। किंबा जदि आप बायर आपको कह कि आप 400 ग्राम 500 ग्राम या 1 किलो पैकिंग रे भेलपुरी या भेल मुड़ी पठातु। भेल मुड़ी आप मुड़ी रे बादाम या जत्ते सबू स्नाक्स थाए आपणकर मिक्सचर वगैरह मिसे कि तीखा या बिना तीखा या मीठा अलग अलग वैरायटीज रे आसे भेल मीन स्पाइसेस मुड़ी। जमीती का मुड़ी आप देखते गोटे आसे स्पाइसेस मुड़ी, जेतिर मुड़ी प्लस मिक्सचर मिसा थाए जेटा तीखा थाए लंका मिसी थाए, आ गोटे मुड़ी है से मीठा मिसी थाए अलग अलग मीठा मिसी थाए। तो अलग अलग वैरायटीज ऑफ मुड़ी पैकिंग करके आप सेल करें इन द ग्लोबल मार्केट रे। मुड़ी एक्सपोर्ट बेसी रू बेसी जाउची बाय सी, बाय सी कार्गो, बाय समुद्र रे, बाय सी कार्गो रे यानी पानी जहाज रे एक्सपोर्ट होउची। कारण मुड़ी बहुत हल्का थाए से आप लार्ज क्वांटिटी रे मुड़ी एक्सपोर्ट करें। फिलहाल मुंबई रो नवासिबा सी पोर्ट, गुजरात रो मुंद्रा सी पोर्ट, साबरमती आउ मैंगलोर सी पोर्ट, मैंगलोर सी पोर्ट आउ चेन्नई सी पोर्ट, यही सब सी पोर्ट बेसी रू बेसी मुड़ी एक्सपोर्ट होउची ग्लोबली। तो कौ कौ कंट्री किणुंच, तो बेसी रू बेसी किणुंच अमेरिका, यूएसए, कनाडा, यूके, ऑल द यूरोपियन कंट्री, जमी यूरोपियन कंट्री रे जर्मनी होगला, न्यूजीलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, यही सब कंट्री जाउची, रशिया, रूसिया जाउची, आउ आपणकर मिडिल ईस्ट कंट्री रे दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, कतार, साउदी अरबिया, ये जो कंट्री होगला कहली यूएई रे, यूएई, साउदी अरबिया, कतार, बहरीन, ओमान, कुवैत, ये सब कंट्री जाउची इन द मिडिल ईस्ट कंट्रीज। एंड आफ्रिकन कंट्री जाउची केनिया, साउथ आफ्रिका, मॉरीशस, आउ तंजानिया, ये सब कंट्री जाउची, आउ आपणकर सिंगापुर, मलेशिया एंड न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो यही सब कंट्री को आप टारगेट करें जो कंट्री रे बेसी रू बेसी इंडियंस मैंने अच्छा। तो मुड़ी किंबा मुरमुरा किंबा पफ्ड राइस गोटे स्नाक्स थाए, यहाँ को इंडियंस मैंने मोस्टली इंडियंस एंड साउथ एशियन लोक मैंने खाते। तो इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, श्रीलंकन एंड आपणकर चाइनीज, भिएतनामीज, फिलिपिनो, मलेशियन, इंडोनेशियन, सिंगापुरियन, यही सब लोक मैंने बेसी रू बेसी पफ्ड राइस को स्नाक्स हिसाब से खाई था। स्नाक्स पफ्ड राइस यानी मुड़ी खाइला पर कौन हुए ब्लड प्रेशर कंट्रोल हुए, आपणकर वेट लॉस भी हुए, आउ भल स्नाक्स था, लाइट स्नाक्स था, से ग्लोबली वर्ल्ड वाइड अलग अलग देश में मुड़ी को पसंद करी आप मुड़ी एक्सपोर्ट करने चाहू था तेल मुड़ी को अलग अलग वैरायटीज रे बनवा शिखतु। आपण ताको घरे बनई कि
आपण घरे बनेकी भी आपण एक्सपोर्ट करि परिबे मुड़ी को किमिति बनेबे ता सहित कड़ी पत्ता को बने पकेबे बादाम पके कि अलग अलग वैरायटीज आपण एक्सपोर्ट करि परिबे आ बेसी तीखा वाला बेसी हाई स्पाइसेस या मीठा या मीडियम स्पाइसेस अलग अलग बनेकी ताको आपण एक्सपोर्ट करि परिबे मुड़ी जदि आपण एक्सपोर्ट करिया पई चाहुनांती इंडिया भीतर सेल करिया पई चाहुनांती तो मुड़ी को बनेकी आपण लेबलिंग करके पैकिंग करके ब्रांड बनेकी मुड़ी को आप इंडिया रे अलग अलग सुपर मार्केट रे सेल करी परिबे मंथली पेमेंट नहीं पारे किंबा इंडिया रो amazon.in भलिया साइट रे ऑनलाइन रे भी आप सेल करी परिबे मुड़ी को एक्सपोर्ट करिया पई हेला आपनो कोन कोन लाइसेंस दरकार पड़ो ता विषय रे कहबे फर्स्ट आप एक्सपोर्ट लाइसेंस एक्सपोर्ट बिजनेस करिया पूर्व आपन कोई देथि MSME सर्टिफिकेट किंबा उद्योग बिहार उद्योग आधार किंबा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनेबे MSME सर्टिफिकेट किंबा उद्योग आधार किंबा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनेबे तापर IC कोड नेबे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड अप्लाई करिबे GST अप्लाई करिबे बैंक अकाउंट कोनसी बैंक रे आपण अकाउंट ओपनिंग करिबे आपणकर करेंट अकाउंट ओपनिंग करिबे पैन कार्ड कंपनी रे पैन कार्ड अप्लाई करिबे आपणको पर्सनल पैन कार्ड अप्लाई करिबे ये हला मैंडेटरी तापर मुड़ी पई कोन कोन आवश्यक आपण दरकार पड़े आपणको मुड़ी हला गोटे फूड प्रोडक्ट खाद्य प्रोडक्ट कंज्यूमेबल प्रोडक्ट सेते पई फसाई लाइसेंस फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया गोटे फसाई लाइसेंस मुझे आगुरी कही फसाई लाइसेंस आप देखो अनस्क्रीन देखु तो फसाई लाइसेंस फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई लाइसेंस अप्लाई करेंगे जदि आप इस्लामिक कंट्री मुस्लिम कंट्री को एक्सपोर्ट करने चाहती तेल हलाल सर्टिफिकेट दरकार पड़ो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट गोटे दरकार पड़ो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट है फ्री फ्रॉम फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड एंड हार्मफुल सब्स्टिट्यूट्स तो युवा सब आपको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट अप्लाई करा पड़ो आ गोटे हेल्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करा पड़ो फ्रॉम IC एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल तो यही सब लाइसेंस आप एक्सपोर्ट करने मुड़ी एक्सपोर्ट करने आपको लाइसेंस दरकार पड़ो तो मुझे डिटेल्स कहीदेली मुड़ी एक्सपोर्ट करने कौन कौन लाइसेंस दरकार पड़ो तो फूड लाइसेंस आपको नॉर्मली जिते फूड स्नाक्स एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको ये सब लाइसेंस अप्लाई करेंगे तो बेटर हम आप ऑर्गेनिक लाइसेंस हलाल लाइसेंस फसाई लाइसेंस एंड आईसी रु हेल्थ लाइसेंस ये सब लाइसेंस रेडी करके रखु कारण एनी काइंड ऑफ फूड आप एक्सपोर्ट करेंगे तो ये सब लाइसेंस दरकार पड़ो जदि हलाल लाइसेंस कौन इस्लामिक कंट्री मुस्लिम कंट्री में बिकापी है आपको हलाल लाइसेंस दरकार पड़ो से हलाल लाइसेंस कौन मुझे आग वीडियो कहीदेगी तो हलाल लाइसेंस फसाई लाइसेंस आईसी हेल्थ लाइसेंस फ्रम आईसी आपणकर ऑर्गेनिक लाइसेंस ये चार्टा लाइसेंस फूड एक्सपोर्ट में दरकार पड़ो ए लाइसेंस सब अप्लाई करके रखु तापर जितेबले आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करूँ आप मुड़ी को जो पैकिंग करेंगे आप देखिए मुड़ी आप सुपर मार्केट जाए देखिए जो कंपनी जमी हल्दीराम गोटे ब्रांड हल्दीराम गोटे कंपनी जो कि तार ब्रांड है ब्रांड लोगो है हल्दीराम 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 ना को ब्रांड बनई लोगो रजिस्ट्रेशन कर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कर तो हल्दीराम ना रे इंडिया रे आउ कौन सी कंपनी बने पारी ना बिजनेस करी पारी ना से भाया आपर कंपनी बनेबे आपण ना को ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन बनेबे ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कलापर आप ना को पैकिंग करेंगे पैकिंग लेबलिंग करेंगे पैकिंग आपंक ना रोज एज ए मुड़ी एक्सपोर्ट कंपनी आपं जमी आ गोटे हल्दीराम मुड़ी पैकेट किणतु हल्दीराम मुड़ी पैकेट आप देखिए तो हल्दीराम मुड़ी पैकेट में हल्दीराम रहा तार ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन ताप तले फसाई लाइसेंस लोगो रोज फसाई आईस ऑर्गेनिक लाइसेंस हलाल लाइसेंस सब लाइसेंस लोगो रोगो रहा ए प्रोडक्ट को आप ग्लोबली एक्सपोर्ट करेंगे कारण जदि आप मुड़ी लाइसेंस मुड़ी बनई पैकिंग करके दुबई पठेबे दुबई साउदी अरबिया ओमान कतार बारिन क्वेट इजिप्ट सुदान ये सब कंट्री को पठेबे जदि हलाल लाइसेंस न ने तो ये लाइसेंस रे बिना आप एक्सपोर्ट करें ना जदि एक्सपोर्ट भी करदे एक्सपोर्ट प्रोडक्ट पहुँचीगला इस्लामिक कंट्री में मुस्लिम लोक मैंने आप प्रोडक्ट को किणवे ना से हलाल लाइसेंस इंपोर्टाट अच्छी फॉर इस्लामिक कंट्री रे सेल करने आपदेली फसाई लाइसेंस हलाल लाइसेंस ऑर्गेनिक लाइसेंस हेल्थ लाइसेंस चार्टा लाइसेंस आपको मैंडेटरी रेडी करके रखु एक्सपोर्ट करने मुड़ी किंबा एनी काइंड ऑफ फूड प्रोडक्ट्स
ठीक अच्छे तो यही सब लाइसेंस को आपड़ रेडी कर रखुद रेडी कलापर आप कंपनी बनैला आपण ना कि कौन ना कंपनी बनैला ब्रांड रजिस्ट्रेशन कलापर आपड़ ठीक भाव में पैकिंग करके एयर टाइट पैकिंग करेंगे कारण एयर टाइट पैकिंग नक मुड़ी को मुड़ी डेस्टिनेशन रे पहुँचला मुड़ी खराब हो सेकेंड टाइम बायर इंपोर्टर्स आपको अर्डर देवना से भल भाव भल जरी एयर टाइट एयर पैकिंग करेंगे एयर पैकिंग करके भल भाव पैकिंग लेबलिंग कलापर आप गोटे बड़ जे आपको खोल आसे बड़ पैकिंग आसे पैकिंग रे 500 ग्राम या 1 किलो पैकिंग करके आप बड़ बड़ कार्टून रे 20 किलो 25 किलो कार्टून रे पैकिंग पैकिंग करेंगे नॉर्मली 15 किलो 20 किलो कार्टून रे आप पैकिंग करेंगे पैकिंग करके से कार्टून उपरे भी आप कंपनी ना रहा एग्जांपल आप कंपनी ना ABCD प्राइवेट लिमिटेड ABCD प्राइवेट लिमिटेड है आपन कंपनी ABCD है आपन को लोगो आपन को रो कार्टून उपरे सबु लाइसेंस रो लोगो रहबो फसाई एंड आपन को रो हलाल लाइसेंस रो लोगो रहबो एंड IC रो हेल्थ लाइसेंस लोगो रहबो एंड आपन ऑर्गेनिक लाइसेंस लोगो रहबो ए सब लोगो रहबो आपन को रो पैकिंग उपरे आपन को कंपनी रो एड्रेस रहबो वेबसाइट रहबो IC फसाई रो लाइसेंस नंबर रहबो एंड आपन को एक्सपोर्ट IC रो कोड रो लाइसेंस नंबर रहबो एटा आपणकर कार्टून पैकेट भी रहिबो आपणकर जरी पैकेट उपरे रहिबो पैकिंग करके आप एक्सपोर्ट कर पारिबे तो एक्सपोर्ट अर्डर केमिति पाइबे एक्सपोर्ट अर्डर पाया पई हेले आपण कोन करिया पडिबो एक्सपोर्ट अर्डर पाया पई हेले आपण कोन करिया पडिबो तो जत्ते कंट्री कहि देले को को कंट्री को टार्गेट करिवे अमेरिका कनाडा UK जर्मनी स्विट्जरलैंड ऑल द यूरोपियन यूनियन इटली रशिया एंड आपणकर मिडिल ईस्ट रे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स सऊदी अरबिया ओमान कतर बहरीन कुवैत आफ्रिका रे मॉरिशस साउथ अफ्रीका केनिया तंजानिया एंड न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया एंड फार ईस्ट रे आपणकर आसिलो सिंगापुर मलेशिया ऑल्सो वियतनाम फिलिपींस इंडोनेशिया भी आजिकल इम्पोर्ट करछंती बांग्लादेश एक्सपोर्ट भी करुछी इम्पोर्ट भी करुछी तो यही सब कंट्री को टार्गेट करेंगे तो मुझे अलग अलग कंट्री पर वीडियो जानुछी तो यही सब कंट्री रे जितकी सब एग्जांपल आप बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करेंगे पफ्ड राइस मुड़ी एक्सपोर्ट करेंगे बांग्लादेश को तो बांग्लादेश रो मु वीडियो बनई सारी बांग्लादेश रे जितकी इम्पोर्टेंट येलो पेजेस B2B ट्रेड पोर्टल्स क्लासीफाइड वेबसाइट्स तो अलग अलग देश में मुझारी तो अलग अलग देश में जितकी वेबसाइट्स अच्छी से आपको रजिस्ट्रेशन करा पड़ो अलग जमी अमेरिका जितकी सब वेबसाइट अच्छी मुझे वीडियो आनुची तो अमेरिका किंवा कनाडा UK अलग अलग देश वेबसाइट B2B ट्रेड वेबसाइट्स ट्रेड पोर्टल्स येलो पेजेस आपको रजिस्ट्रेशन करा पड़ो आप कंपनी को रजिस्ट्रेशन करा पड़ो रजिस्ट्रेशन करके आप प्रोडक्ट सर्विसेस को रजिस्ट्रेशन करके आपको डिस्क्रिप्शन रे आप एड करेंगे कि आप मुड़ी एक्सपोर्ट करते प्रोडक्ट फोटो एड करके रजिस्ट्रेशन कलापर से बायर जब सर्च करेंगे खोजे ऑनलाइन रे तो आप प्रोडक्ट सर्विसेस देखाद से कांटेक्ट करेंगे ऑल्सो अलग अलग कंट्री रे येलो पेजेस सेठिकार ट्रेड पोर्टल्स एंड क्लासीफाइड वेबसाइट रे आपको रजिस्ट्रेशन कलापर से बायर खोजे हु आर द ट्रेडिंग कंपनीज हु आर द FMCG कंपनी नॉर्मली कौन हुए अलग अलग देश में फूड ट्रेडिंग कंपनी था FMCG ट्रेडिंग कंपनी था तो यही FMCG ट्रेडिंग कंपनी फूड ट्रेडिंग कंपनी अलग अलग देश फूड प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करके वेयर हाउस रखिक लोकाली जितकी सुपर मार्केट हाइपर मार्केट ग्रोसरी को सप्लाई करते लोकाली से आपको टार्गेट करा पड़ो अलग अलग देश में जितकी देश कहीदेली यही सब देश में ट्रेडिंग कंपनी फूड ट्रेडिंग कंपनी एंड आपणकर FMCG ट्रेडिंग कंपनी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ट्रेडिंग कंपनी को कंटाक्ट करा पड़ो से कंपनी मैंने आपखर लार्ज क्वांटिटी मुड़ी पैकेट को इम्पोर्ट करेंगे इम्पोर्ट करके वेयर हाउस रखिए रखिक लोकल सुपर मार्केट को सप्लाय करेंगे ये गोटे प्रोसीजर है सेकेंड प्रोसीजर है आपड़ ऑनलाइन रे केमिते सेल करेंगे आप फेसबुक लिंक्डइन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम 4 साइट रे पेड मार्केटिंग करेंगे टारगेट करेंगे जितकी कंट्री ना देदेली ठीक अच्छे अमेरिका कनाडा ऑल द यूरोपियन यूनियन UK रशिया मिडिल ईस्ट कंट्रीज एंड आफ्रिकन कंट्रीज जिते सब कंट्री ना देदेली यही सब कंट्री को टारगेट करके फेसबुक लिंक्डइन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम रे मार्केटिंग कलापर पेड मार्केटिंग कलापर आपण प्रोडक्ट सर्विसेस एडवर्टाइजमेंट इन कंट्रीज टारगेट ऑडियंस को देखादेव टारगेट ऑडियंसेस मैंने जो मैंने मुड़ी किणुंच बाइंग करते देखादेव आपर एडवर्टाइजमेंट देखादेला से कंपनीज आपको कंटाक्ट करेंगे जदि डिजिटल मार्केटिंग आप जानते
ନାହାନ୍ତି ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ଅନଲାଇନ୍ ମାର୍କେଟିଂ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଗ୍ଲୋବାଲି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ହେଲା ଗୁଗଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଗୁଗଲ୍ ଏଡ୍ ପେଡ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଗୁଗଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଗୁଗଲ୍ ଏଡ୍ ଗୁଗଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଗୁଗଲ୍ ଏଡ୍ରେ ପେଡ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ, ଯେତିକି ଟାର୍ଗେଟ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବେ, ଆମେରିକା, କାନାଡ଼ା, ୟୁକେ, ଯେତେ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି କହିଦେଲି, ଏହିସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିକି ଗୁଗଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଗୁଗଲ୍ ଏଡ୍ରେ ପେଡ୍ ମାର୍କେଟିଂ କଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଏହିସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିର ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ବାୟର୍ସକୁ ଦେଖାଦେବ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ଗୁଗଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଗୁଗଲ୍ ଏଡ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଲୋଗାନ୍ ରହିବ, ଏ ଲିଡିଂ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଏକ୍ସପୋର୍ଟିଂ ପଫ୍ଡ ରାଇସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତା ମାନେ ହେଲା ଗୋଟେ ଲିଡିଂ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଯିଏକି ମୁଢ଼ି ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଇଂଲିଶରେ ଏଇଟା ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଏଇଟାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବ, ଏହିସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲା ପରେ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେରିକାର ଜଣେ ଟ୍ରେଡିଂ କମ୍ପାନୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କମ୍ପାନୀ, ସେ ପଫ୍ ରାଇସ୍ ୟା ମୁଢ଼ିକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସେ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ପଫ୍ ରାଇସ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୟା ପଫ୍ ରାଇସ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ। ଯେତେବେଳେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେଖାଦେବ। ଯଦି ଆପଣ ପେଡ୍ ମାର୍କେଟିଂ କରିବେ, ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେଖାଦେଲା ପରେ ସେ ଆପଣ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ, ଇମେଲ୍ ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ ୟା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ। ଆପଣ ପ୍ରାଇସ୍ ତା ସହିତ ପ୍ରାଇସ୍ ସହିତ ଡିସ୍କସ୍ କରିବେ, ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଡିସ୍କସ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ରେଗୁଲାରଲି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ, ରାଇସ୍ ରାଇସ୍ ପଫ୍ ରାଇସ୍ ୟା ମୁଢ଼ିକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଆମର ଗ୍ଲୋବାଲ ଗ୍ଲୋବାଲ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ଲୋବାଲ ମ୍ୟାଗଜିନ୍ ଅଛି ଆମର, ଟ୍ରେଡ୍ ମାଇ ପୋର୍ଟାଲ .com, ଟ୍ରେଡ୍ ମାଇ ପୋର୍ଟାଲ, ଟ୍ରେଡ୍ ମାଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ .net ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଗ୍ଲୋବାଲି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ମିଳିପାରିବ, ମୁଢ଼ିର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ମିଳିପାରିବ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବଜେଟ୍ ଥାଏ, ତ ଆପଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଶରେ ଫୁଡ଼୍ ଏକ୍ସପୋ ହୁଏ, ଫୁଡ଼୍ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ହୁଏ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଶକୁ ଯାଇକି ଫୁଡ଼୍ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଭାଗ ନେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ମିଳିପାରିବ। ତ ବହୁତ ସାରା ତରିକା ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋସିଜର୍ ଅଛି କେମିତି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ମିଳିବ। ତ ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଜକୁ ଲଗାତାର ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଢ଼ି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କେମିତି କରିବେ, ମୁଢ଼ି ଏକ୍ସପୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ର କେମିତି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ମୁଢ଼ି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ହେଲ୍ପ ଦରକାର ପଡ଼େ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ, ଲାଇସେନ୍ସିଂ ପାଇଁ, ଆପଣ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବି ହାଉ ଟୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମୁଢ଼ି ଅର୍ ଏନି କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।